तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सिंपल कुर्ती को कॉटन लेस की हेल्प से डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है वो हमारी रहेगी, जो ये कुर्ती मैंने ये देखी यहाँ पर स्टिच की हुई है और ये प्लेट वाली ये कुर्ती है, तो इसमें हमने ये लेस लगानी है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। कुर्ती पे लेस जो कॉटन वाली लेस है वो लगाते हैं सभी, तो इसको हमने जो यहां से आर्म होल से शुरू करके और ये इस तरीके से लेस को हमने लगाना है, ये इस तरह से राउंड में, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, ये ऐसे इसको लगाएंगे हम, ये देखिए इस साइड से ये इस तरीके से लगेगी और ये जो दूसरे वाली साइड है इस साइड ये इस तरीके से आएगी, यहां से यानी कि आर्म होल से हमने इसको स्टार्ट करना है, यहां से लगाना और ये इस तरीके से कर्व देते हुए इसको लगाएंगे हम, ठीक है। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट भी किया था एक बहन ने कि जो ये हम लेस लगाते हैं ये देखिए इस तरीके से आएगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो एक बहन ने पूछा था कि जो ये हम लेस लगाते हैं इस तरीके से, इसको हम पहले प्लेट इसमें डालेंगे या फिर पहले हम ये लेस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने पहले इसमें प्लेट लगानी है, जो भी आपका मेजरमेंट है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कप प्लेट डालनी है या फिर आपने ये वाली प्लेट डालनी है दो बस, तो पहले आप इसमें प्लेट डाल लीजिएगा और फिर बाद में हम इस पे ये लेस लगाएंगे, ठीक है। बाद में हमने यानी कि लेस लगानी है, पहले प्लेट डालनी है। तो अब देखिए ये इस तरीके से लुक आएगा इसका, तो कैसे हम इस पे मार्किंग करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो ये देखिए पहले मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से, तो ये देखिए मैंने इसको ये डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से और इसको बिल्कुल बराबर हमने सेट करते हुए यहां से सेंटर करते हुए ये देखिए और इसको फोल्ड कर लेना है। अब हम ये प्लेट यहाँ पे लगाएंगे, तो अब देखिए यहां से हम लगाते हुए इसको इस तरीके से लेकर आएंगे और यहां से इसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्लेट है प्लेट के इस साइड हमने लगानी है 3.5 इंच और यहां से हम यहाँ पे ये 4 इंच लगा लेंगे और ये बिल्कुल सीधा हम मार्क करेंगे फिर यहां से, ठीक है। तो यहां तक ये हमने सीधी लाइन कर ली है 4 इंच पे और अब यहां से हम इस पे लगाना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए यहां पे लगाएंगे जो हमारी ये प्लेट है। अब इसको इस तरीके से हम कर्व दे देंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से इसको कर्व दे देंगे और फिर अब इसके ऊपर ही हमने ये जो लेस है वो लगानी है। तो एक साइड ये हमारी मार्किंग हो गई है, अब इसको इस साइड फोल्ड कर लेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसको यहां से अच्छे से थपथपाते हुए इस तरह से और जो मार्क है वो दोनों साइड हमारा आ जाएगा, ये देखिए इस साइड भी हमारा मार्क आ गया है और अब इसको हम गहरा कर लेते हैं,
ये मार्किंग हमारी हो गई है और अब इसी के ऊपर हमने ये मार्क जो लगाए हैं इसके ऊपर लेस अटैच हम कर लेंगे। और अब देखिए नेक के ऊपर भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, नेक पे भी मैंने ये लेस लगानी है। तो नेक पे हमने ये जो हमारा सेंटर है बिल्कुल ये इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ पे करना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे लेस हमने ये लगानी है इस तरीके से, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे लेस को लगाना और ये इस तरीके से इसके ऊपर ये लगाएंगे, यहां तक लेकर आएंगे और यहां पे फिर हम मशीन को रोक लेंगे सुई को अंदर रखते हुए और फिर इसको यहां से और फिर इसको यहां से इस तरीके से ये हम फोल्ड करेंगे और यहां तक इसको लेकर आएंगे जो ये हमने मार्क किया है। और फिर यहीं से लैस को हम इस साइड मोड़ लेंगे और फिर इसको बिल्कुल साथ साथ में हमने इसको लगाना है इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल साथ में मिलाते हुए इस तरीके से लगाएंगे और फिर यहां से इस साइड लेकर और ये यहां तक लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से नेक का डिजाइन इसमें आ जाएगा, ये देखिए यहां पर इस तरीके से नेक का डिजाइन आएगा। और जो ये है हमने यहाँ पे मार्किंग की है, यहां पर जो ये लेस है इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना और यहां से इस तरीके से जैसे जो हमने ये मार्क किया हुआ है बिल्कुल मार्क के ऊपर ही हमने ये सिलाई लगानी है इस तरह से, ठीक है। तो मैं ये इस पर सिलाई लगा लेती हूं और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक हमारी कुर्ती का इस तरीके से आएगा। मैंने फुल कुर्ती स्टिच कर ली है, ये इसके बाजू पर भी मैंने यही लेस लगाई है और इसके घेरे पर ये सिंगल लेस इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।